एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो अभी मैं सो के उठी हूँ जस्ट, तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं। आज मतलब मुझे अपना सबसे पहले बालों को, आप देख सकते हैं जो ये बारिश वाला मौसम है ना, आप अपना शैम्पू कर लो, ऑयल कर लो, कंडीशनर कर लो, नेक्स्ट डे ऐसे लगने लगते हैं बाल की जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है बालों में। तो इससे मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही तो हम क्या करें। तो उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ और आगे बता दूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आज मैं अभी अपना ये बालों का कंडीशनर वगैरह, शैम्पू वगैरह अच्छे से करके उसके बाद मुझे रेडी होना है। फिर उसके बाद मुझे लगवानी है तीज की मेहंदी। तीज की मेहंदी लगाने आएंगे घर पे भैया, जो जिन्होंने करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी वही आ रहे हैं तीज की मेहंदी लगाने। उसके बाद मुझे शाम की तैयारी करनी है। फिर डेढ़ा साहब भी वापस आ रहे हैं शाम को, उनके लिए भी खाना वगैरह बनाना है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो फटाफट से करना है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, उनके स्कूल से आने के बाद उनको भी देखना है। मेहंदी वगैरह का भी बहुत काम फैल जाता है। राशि मेहंदी लगवाएगी नहीं, उसने मना कर दिया क्योंकि बेबी छोटी है। वैसे मेरा भी मन नहीं था पर उसने बोला कि तू तो लगवा ही ले, मैं नहीं लगवा सकती। तो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं लगवाऊंगी, थोड़ी बहुत ही लगवाऊंगी, बट थोड़ी सी लगवा लूंगी। तीज पर लगाते ही हैं सब मेहंदी नॉर्मली। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपने लिए मंगाए हैं वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स अपने लिए। आप देख सकते हैं ये वाला बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है। इसमें है ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर। तो आगे इनके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मुझे अभी करना है शैम्पू कंडीशनर, उससे पहले मैं लगाती हूँ हमेशा, जब भी मैं कंडीशनर शैम्पू करती हूँ उससे पहले अपने बालों पर ऑयल करती हूँ हमेशा। तो मैंने मंगाया है वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। तो इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल ही ये पूरे बालों पर लग जाता है। थोड़ा सा ऑयल लेकर पूरे बालों पर इसकी अच्छे से मसाज कर लेंगे। इसे मैं अच्छे से अपने स्कैल्प में और अपने रूट्स में, अपने लेंथ में अच्छे से लगा लेती हूँ पूरे बालों। तो जैसे कि अभी रेनी सीजन है, इसमें बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ वाओ स्किन साइंस का ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो बालों को बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं होता है, बालों में कोई मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और बालों को हेयर फॉल कम करने में हमारी हेल्प करता है, डैंड्रफ को कम करने में हमारी हेल्प करता है, बालों को शाइनी बनाने में हमारी हेल्प करता है। और ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, इसमें कोई मिनरल्स नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस कुछ नहीं है इसमें, टेस्टेड है बिल्कुल और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है बालों के लिए। आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बालों पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है, इसके बाद मैं करूंगी बालों को शैम्पू और कंडीशनर। तो शैम्पू और कंडीशनर के बाद मिलते हैं आपसे। ये है वाओ स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन B5। इसमें कोई पैराफिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। ये हेल्प करता है हमारे बालों को स्मूथ बनाने में, सॉफ्ट बनाने में और शाइनी बनाने में। और आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है और इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। अनियन शैम्पू है तो ऐसा नहीं है कि इसमें अनियन की स्मेल आएगी, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बट इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो आप इजीली से यूज़ कर सकते हैं, आप डेली एक दिन छोड़ के इसे यूज़ कर सकते हैं। ये है वाओ स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन B5। इसमें कोई पैराफिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई सिलिकॉन नहीं है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। और इसका टेक्स्चर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही थिक है और आप बालों पर लगाएंगे तो एकदम से बालों में शाइन आ जाती है। और आपके अगर ऑयली हेयर हैं, ड्राई हेयर हैं, तो सभी तरह के बालों को ये सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, स्मूथ बनाने में हेल्प करता है और हमारे बालों में शाइन भी आती है। और हाँ, लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगी, बी वाओ नेचुरली। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने शैम्पू भी कर लिया और देखिए मैंने बड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया है। तो बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं शैम्पू और कंडीशनर के बाद। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, ये है पूरा लुक मेहंदी के लिए, दिखाती हूँ मैं आपको सामने से। तो ये ड्रेस है जो मुझे इंस्टा के पेज से रिसीव हुई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी अपने लिए ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही कंफर्टेबल सी, लाइट वेट सी ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, पहन के भी बहुत अच्छी लग रही है। आप लगवाओगे मेहंदी? लगवा लो। मेरे को मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, मम्मी नहीं लगवाती हैं। बहुत लोग बोलते हैं आंटी को क्यों नहीं लगवाते, बट मम्मी नहीं लगवाती हैं। हम बहुत बोलते हैं बट वो अब लगवाती ही नहीं है मेहंदी। एक आइसक्रीम भी ली है, एक ले लिया आइसक्रीम का नाना है।
मना ना कर रखी वैसे अभिषेक भैया ने लगवानी है मेहंदी? बाल कैसे हो रहे? बाल तो सही से साफ कर लो। मेरे लिए तुम लाइट लगाओ सही से, मेरी वीडियो अच्छी बनेगी। फिर इस गिरा मत दियो लाइट, लाइट तो यहीं रखी रहने दे, इतना लंबा पहुंच जाएगा वहां तक। मेहंदी लग रही है। और ये अगर आपको मेहंदी अच्छी लगे तो इसकी डिटेल्स, जिससे मैंने मेहंदी लगवाई है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी मेरे इंस्टा के पेज पर। आपको अच्छी लग रही है तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं आप वहाँ पर। वो कहाँ है खुशी? हेलो खुशी, एक हाथ लग गई है, दूसरे हाथ लग गई है, खुशी लग गई है। क्या देख रहे हो किरे के लिए? क्या फोन में क्या देख रहे हो? तो मेहंदी लगाना बहुत ही बोरिंग हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है मेहंदी लगाने में, मैं तो बिल्कुल ही बोर हो जाती हूँ। और मम्मी बेचारी मेरे साथ ही बैठी हुई है, चाय बना के लाई थी मम्मी हमारे लिए मेहंदी लग रही थी। तो मम्मा और दादी और बहुत चाय पी रही है और ये मम्मा की मेहंदी लग गई। तो बनाना दूर से दिखा मेहंदी, इतनी पास से थोड़ी दिखेगी। से सारी वीडियो रखूंगी इसमें, ऐसे हिला हिला के गंदी गंदी वीडियो बनाएगा, मैं रख लूंगी उन्हें सारी, डिलीट कर दूंगी। एक तो आपकी मेहंदी दिखा रहा हूँ तो अच्छे से दिखाओ ना। नलायक दिखाना कैसे, क्या डिजाइन है आपको समझ आता है? अभी पूरा नहीं हुआ, चल अभी पूरा नहीं हुआ डिजाइन। तेरा खोल दे प्रिया, एसी तो चलाना पड़ता है, हटा खोल दे या जाने की गेट लगा। पर्दा आराम से दिख गया, बच्चे मैं नहीं लगा, इन पर्दा में तो रात निकल गंदे से लगे। बारिश ना क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेहंदी से? क्या कर रहा है? मेरी शक्ल बना रहा है वो भी पैर के ऊपर। एक ब्रेक और हो गया मेहंदी लगाते लगाते, कल वीडियो बनाते बनाते प्रिया को भी इस लड़की का भी एक ब्रेक और साथ में चाय समोसे का ब्रेक हमारा। और पीछे वाली लड़की की ना खा रही कुछ भी? तुम्हें जरूरत है डाइटिंग की? हम नंद भाभी तो सोचे भी हैं प्रिया, या जरूरत है का खाई है? समोसे इनमें अलग बात है, बारिश के मौसम भी हो रहा खा सके। सही में डाइटिंग कर रही है मैं और प्रिया, सही है खा पी के मस्त हमारे बस की डाइटिंग ना। और यहाँ पर मेहंदी हो गई है मेरी कंप्लीट, डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। पैरों पे तो मैंने थोड़ी थोड़ी लगवाई थी और हाथों पे भी मैंने ज़्यादा नहीं लगवाई अभी, क्योंकि अभी राखी आने वाली है, फिर राखी पे भी लगवानी है। अब तो फेस्टिवल स्टार्ट होते रहेंगे तो हम लगवाते ही रहेंगे, तो पैरों पर तो बिल्कुल कम लगवाई थी और हाथों पर भी थोड़ी थोड़ी, बट डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। और मैं और जीनू खेल रहे हैं यहाँ पे जीनू के टॉय से, और आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी मैंने हाथ ना वॉश नहीं करे हैं,
और फिर कलर छूटेगा आटे में, तो कर रही हैं मम्मी और पूजा किचन में आज दोनों, और मैं जीनू के पास बैठी हूँ। जीनू 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 इसमें है ये कन्नू के लिए, ये लो पकड़ो, अरे रुको और भी है, रुको जरा, ये लाली के लिए, ये दोनों फ्रॉक, ये पूरा कितनी बड़ी है, थोड़ी बड़ी ला ना, छोटी ना आ जाए गलती से, टॉय से खेल नहीं पाओगे ना, इसलिए टॉय लाया, और अब निकलने वाला है, और ये किसके लिए है, ये ले इसी के ऊपर, मैं ले और भी है कुछ इसमें, कुछ और भी है, ठीक है वो भी जाने ले 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 तो ले तो अपने लाओ के सर के लिए, आज ले खाता हूँ। और ये लाए हैं डेरा साहब मेरे लिए परफ्यूम्स वगैरह, वैसे मैं हम मना ही करते हैं क्योंकि ना जेंट्स को कुछ इतना ख़रीदना आता नहीं है, तो हम उनसे मना कर देते हैं कि आप मत कुछ ख़रीदा करो, हमारे पैसे दे देंगे, क्योंकि ना वो इतना बाहर से इतना कॉस्टली भी आता है सामान, और फिर पसंद का बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो बट फिर भी वो परफ्यूम तो ऐसी चीज़ है कि यूज़ कर लेते हैं, तो वो परफ्यूम्स ले आते हैं इकट्ठे दो तीन, हम सब के लिए, मैं मम्मी पूजा हम सब यूज़ कर लेते हैं, और बाकी ड्रेसेस या ऐसे कुछ चीज़ों के लिए हम मना ही कर देते हैं, क्योंकि ना बाहर से ला के फिर वही हो जाता है, साइज़ में दिक्कत, डिज़ाइन में कई बार पसंद नहीं आते, तो परफ्यूम वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि जो सब यूज़ कर सकते हैं। तो डेढ़ साहब को पता है कि मुझे ग्लासेस का कितना शौक है, वो ज़रूर लेके आते हैं मेरे लिए, कहीं भी जाते हैं वहाँ से ये ज़रूर ही लेके आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।